इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भले ही अपनी सरकार बना ली थी, लेकिन विंध्य क्षेत्र ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। विंध्य क्षेत्र की 30 सीटों में कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 6 सीट ही आई। विंध्य क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी अपना आशीर्वाद प्रदान नहीं किया, जिसके चलते दिग्गज नेता भी विधानसभा की डेहरी नहीं डाक पाए। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात को लेकर कांग्रेस में काफ़ी कुछ जद्दोजहद थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना दावा था, लेकिन चुरहट के अजय सिंह राहुल का भी दावा अपने आप में कमज़ोर नहीं था। कमलनाथ गांधी परिवार की नज़दीकियों की वजह से मुख्यमंत्री बनने में इसलिए भी काम हो गए क्योंकि अजय सिंह राहुल चुरहट से चुनाव जीत कर विधानसभा पहुँच ही नहीं पाए। नहीं तो दिग्विजय सिंह के सहयोग से अजय सिंह राहुल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का दावा जरूर करते। एक तरफ अजय सिंह राहुल पूरे प्रदेश में घूम घूम कर कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे थे और इस बात की तैयारी भी कर रहे थे कि वह प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन किस्मत इसी को कहते हैं। प्रदेश के अंदर कांग्रेस का बहुमत तो नहीं आया था, लेकिन जोड़ तोड़ करके सरकार कांग्रेस की बन गई थी। यदि अजय सिंह राहुल भी चुनाव जीते होते तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद पर उनका भी दावा मजबूत माना जा रहा था। अजय सिंह राहुल पूरे प्रदेश में घूम घूम कर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिता रहे थे और खुद अपने विधानसभा की चिंता नहीं कर रहे थे। उन्हें चुरहट की जनता पर इतना भरोसा था और उम्मीद थी कि चुरहट की जनता उनके साथ अन्याय नहीं करेगी, उन्हें आशीर्वाद जरूर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में चुरहट की जनता ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार अजय सिंह राहुल को भी चुनाव हरवा दिया। अजय सिंह राहुल भारतीय जनता पार्टी के शारदेन तिवारी से 6,402 वोटों से पराजित हो गए, जिसके चलते अजय सिंह राहुल के विरोधी उन्हें कमजोर करने में जुट गए। विंध्य क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरीके की लहर थी कि अमरपाटन विधानसभा के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह भी चुनाव हार गए। जब चुनाव परिणाम आए तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि मामा और भांजे दोनों चुनाव कैसे हार गए। राजेंद्र सिंह एक बार उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब वह विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राम खिलौन पटेल से राजेंद्र सिंह 3,747 वोटों से हार गए। हालांकि 2023 के हिसाब से राजेंद्र सिंह की तैयारी चाक चौबंद है और वह मान कर चल रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट उनके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगी। अब देखना यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मामा और भांजे को जनता अपना आशीर्वाद प्रदान करती है या नहीं। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com पर लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।